जनपद में संभावित बाढ़ की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से और लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं एनडीआरएफ और पुलिस तथा अन्य विभागों द्वारा राजघाट, बहरामपुर, शेरगढ़ एवं भगड़ा पांडे गांव तथा नौसर कॉलोनी बंधे पर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने कहा कि यह मॉक ड्रिल अपनी तैयारियों को परखने के लिए एक अच्छा माध्यम है, इससे लोगों में बाढ़ से बचाव के लिए जागरूकता लाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बाढ़ के दृष्टिकोण से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी लोग पूरी तरह से तैयार एवं मुस्तैद हैं। उन्होंने पशुपालन एवं जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया है कि बाढ़ के समय पशुओं के लिए चारे एवं लोगों को राहत पहुंचाने के लिए वितरण होने वाली राहत सामग्री तथा डीजल, पेट्रोल एवं मिट्टी तेल आदि की व्यवस्था अभी से कराकर रख लें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के द्वारा सैटेलाइट फोन एवं क्यूआरटी का प्रयोग किया गया, जो बाढ़ के समय प्रभावित गांव में मोबाइल एवं संचार के अन्य माध्यम ध्वस्त हो जाने के बाद भी उस गांव में लोगों से संपर्क करने एवं मदद करने में सहायक होगा। मॉक ड्रिल के दौरान सर्वप्रथम यह सूचना प्रसारित की गई है कि बहरामपुर गांव में पानी से घिर गया है और लोगों की मदद के लिए पुलिस, पशुपालन, बाढ़, नगर निगम सहित अन्य अधिकारियों को मदद के लिए सूचना भेजी गई। इस दौरान एनडीआरएफ को तेजी से मौके पर लाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा चरगावा से बहरामपुर गांव तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मौके पर पहुंचने में मदद की गई। इसके उपरांत एनडीआरएफ के जवानों द्वारा लोगों को गांव से निकलने, डूबते लोगों की मदद करने, मेडिकल उपचार, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर द्वारा राहत सामग्री का वितरण एवं लोगों को एयरलिफ्ट के माध्यम से राहत पहुंचाने का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया गया और हेलीकॉप्टर से लोगों को राहत सामग्री और वितरण, बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का भी प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर राजस्व, पुलिस, पशुपालन, कृषि, बाढ़, नागरिक सुरक्षा, चिकित्सा विभाग, एनडीआरएफ के द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को बाढ़ से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर, एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, एडीएम वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व पुलिस, राजस्व एवं अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। फोन नंबर भी होना चाहिए कि वहां की स्थिति क्या है, क्या करना है। आपके पास आपके राशन के दुकानदार का भी नंबर होना चाहिए कि फिलहाल प्राथमिक रूप से आप वहां देख लो। आपके पास किसी नाव वाले का भी नंबर होना चाहिए कि अगर आपदा में एनडीआरएफ थोड़ी लेट कर रही है, विलंब कर रही है, तो आप उस नाव वाले से कह सके कि तुम मुझे लेकर के चलो और अपनी सेफ्टी जैकेट जरूर पहने, आपकी लाइफ जैकेट जरूर पहन लें। ये मान के चलिए आपके पास दिन में भी टार्च होना चाहिए, आपके पास अपनी बरसाती होनी चाहिए। ये नहीं कह सके कि आपको साहब भीग गए, आपके पास अपने हेलमेट होने चाहिए, फायर ऑफिसर्स के नंबर होने चाहिए और सबसे बड़ी बात आपका संचार की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। कोशिश करिए कि आप मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें, उसकी बैटरी को बचाएं और आपके हाथ में जो हैंडसेट है उससे आप काम करें। और सबसे अंतिम बात आपके स्वयं की सुरक्षा, यदि इन चीज़ों को लेकर के आप अपने साथ नहीं रह रहे हैं तो एनडीआरएफ की टीम पब्लिक को छोड़ के आप ही को बचाने लगेगी। आपको तैरना नहीं आता है तो आप लाइफ जैकेट जरूर ले लें। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आपके पास कुछ अपनी ऐसी छोटी मोटी फर्स्ट एड की व्यवस्था, आपके स्वयं की औषधि, कुछ हल्का खान पान आपका होना चाहिए जो पूरे बाढ़ के समय आपको अपडेट बना के रखेगा। ना एनडीआरएफ आपका काम सपोर्टिंग है, आप सपोर्ट के लिए अपने लोगों से संबंधित मजिस्ट्रेट से लेकर के पुलिस तक से स्थापित रखेंगे संपर्क। हम टेलीफोन नंबर लाए हैं, आपके जो भी चीफ होंगे उनको एक कॉपी उपलब्ध करा दे रहा हूँ। लगाई जा चुकी है और लोग तैयार है और बाढ़ के समय की भी और जहाँ पे राहत शिविर होंगे वहाँ पे भी हमारी टीम, मेडिकल टीम, राउंड की डॉक्टर ऐसी ड्यूटी लगाई है। राउंड की
स्वाब उपलब्ध रहेंगे इन सभी दवाइयों के साथ। और आकस्मिकता की अवस्था में हमारी एम्बुलेंस भी बिल्कुल मेडिसिन डॉक्टर वो तैयार रहेंगी। और आज दिन में भी हमारी एम्बुलेंस हमारी टीम सब दोनों तरफ उधर भी और उस तरफ भी तैयार है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है सर। बाकी पूरी तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पे रखना होता है। हम कोशिश करेंगे कि उनको हम थर्मोकोल के बॉक्सेस में वहाँ पे भी उपलब्ध रखें। उसको फिराना जिसको कहते हैं, निकाल के पानी को एक साफ बर्तन में रख लें, अपने जीवन की आवश्यकता करें सबकी जानकारी के लिए है। नीचे का दलछट का पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इट कॉजेज इटसेल्फ डायरिया। अगर वो पानी कॉन्सेंट्रेटेड वाला ब्लीचिंग का चला गया, उसका क्लोरीन का चला गया तो डायरिया कॉज कर देता है, ऐसे और कोई दिक्कत नहीं होती, बट नहीं पीना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। पूरी तैयारी है सर, वहाँ तो बाद में हुई थी आफ्टर वो वगैरह कुछ हुआ था तो इंफेक्ट कर गया था जो डेथ हुई। सर हम बताना चाहेंगे कई अच्छी कल रात में काली वर्षा लगी शहर में कोई ऐसी स्थिति है सर, हम रात में बात लगी हो रहा है अलार्मिंग पिछले बार पंप कहाँ था, कितने लोकेशन में लगाए थे अपने टेम्प्रोरी पंप भी लगाए थे? हमारे पास टेम्प्रोरी पंप है सर, सर चालू है मतलब इस सारे पंप का ये तो पंप वहाँ से हावर बंदा में चालू नहीं था, इच्छा जलकल का था, जलकल हुआ भैया भी है नहीं भैया।
बड़ा वाला है, बड़ा वाला चाहिए सर। गांव में आती है, गांव पूरा पानी से घिरा हुआ है, जिसमें चार महिला और एक बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने हैं। लाइफ जैकेट पहनाकर नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थान के लिए ले जा रही है दूसरी टीम। सभी संबंधित को बता दें और लाइन ऑर्डर ठीक है, युद्ध अब तक बचाव नारे जारी है। सभी लोगों को झूठी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हमेशा निरंतर अपनी सेवाएं और सहयोग प्रदान करते रहे हैं। ये एनडीआरएफ की टीम इसमें बेसिकली जब पहले हम लोग रेस्क्यू करते हैं, इसमें ये कोशिश करते हैं कि जो और विभाग द्वारा किया जा रहा है, साथ में उनके
बाढ़ सुरक्षा समिति के लोग भी हैं जो कि स्थानीय होते हैं, वहाँ के लोकल नागरिक होते हैं। मैं आप लोग इसमें बस केवल खाने वाले चीज़ें का होगा सर। नहीं, इससे ये काम करो यार, क्लोरीन टैबलेट भी छोटी सी शीशा में लग के सर लास्ट टाइम हमने पाउच में डाली पन्नी के बाद दो दो टैबलेट के समय में वो भी डाल दो, उस पर लिख देना कितने लीटर तक की 20 लीटर के एक टैबलेट गोली डालते हैं। इनके पास पीने वाले पानी हम बाटल नहीं दे रहे हैं, बट उसमें पानी का हमारी टीम, जैसे आज आपने देखा कि ये बाढ़ पे मॉक ड्रिल है, अदरवाइज हमारी टीम जो है ये हर किस्म की आपदाओं में, चाहे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे बिल्डिंग कोलैप्स हो, भूकंप जैसी स्थिति में फ्लड है या कोई और भी एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल हजार्ड्स हैं, उनमें कोई आपदा होने पे हमारी टीम जाती है और काम करती है। आज ये एक बाढ़ पे मॉक ड्रिल थी जिसमें हमने ये तैयारी को जांचा है कि हम विभिन्न विभागों के जो लोग हैं उनके साथ कैसे समन्वय स्थापित करके हम काम कर सकते हैं और जान माल की जो हानि है उसको कम किया जा सकता है। जैसे हम लोग फिलहाल मानसून के लिए अपेक्षा कर रहे हैं, उसके पहले बाढ़ का पूरा तैयारी हम लोग का है, उसका आज एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हो रहा है। आप देख रहे थे इसके सारे टीम NDRF का है और फौज का, जो मिलिट्री का टीम भी आई हुई है, उसके अलावा यहाँ फायर वाले हैं, यहाँ तो जिला प्रशासन का पूरे जनपद लेवल का सारे टीमें, CMO है यहाँ का, जो DPRO है, DSO है, सब लोग मिले हुए हैं। इस पर हम लोग देखिए जो इसका पूरा कमांड सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल भी ना काम करते हैं तब भी हम लोग कैसे काम करते हैं, उसी टाइप का एक डेमो है। सुबह से मान लीजिए हम लोग मौसम विभाग से एक तरफ, ये पूरा प्रदेश में आज ये काम हो रहा है, आज मौसम विभाग 8 बजे से हम लोग को अलर्ट किए हैं, आज तो पानी के लेवल ऊपर होगा, उसी के हिसाब से हम लोग 3-4 इंसिडेंट हम लोग काल्पनिक तौर से डेमो किए हैं। एक इंसिडेंट आपके सामने जो हुआ है, एक तो 50-40 लोग ये गांव में फंस गए हैं, मरूंड हो गया गांव, उसको रेस्क्यू कैसे करेंगे, उसके कितने टीम जाएगा, कैसे कोऑर्डिनेट करके कैसे जाएगा, कहां से मूव करेंगे। दूसरा है जो कहां मान लीजिए नाव पलट गया है, नाव पलटने में 10-15 लोग डूबने की स्थिति पे है, उसका तो फिर नाव वाले का रेस्क्यू करने के लिए जो कहां से जाएंगे, उसको रेस्क्यू करके कैसे ले आएंगे, फिर एम्बुलेंस के जरिए से उनका फर्स्ट एड कैसे करेंगे, फिर कहां ले जाएंगे। तीसरा इंसिडेंट है, अभी तो 12 बजे से चालू होगा, उस पर हेलीकॉप्टर माध्यम से, हेलीकॉप्टर भी आ गया है एडवांस में हम लोग का, हेलीकॉप्टर माध्यम से फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाँव में, लोकेशन वाइज किस गाँव में फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सही समय में सही जगह पहुँच रहे कि नहीं, उसको भी हम आपके सामने डेमो कर लेंगे। दूसरा, गांव वाले जो यदि मान लीजिए मरूंड हो गए, उन लोगों को रेस्क्यू करके गांव से कैसे एयरलिफ्ट करके बाहर लेके आएंगे, उसको भी डेमो 12 बजे होगा। ये पूरा जो उसके, इस पर क्या है, हम लोग का एक तरफ मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ताकि हम लोग भी जो कितने भी कठिनाई होता है सामने कर सकते हैं, उसी टाइप का हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। फिर एक प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किस किस को क्या क्या करना है, किसको क्या करना है, ना करना है, क्या ना करना है, वो दोनों डिफाइंड हो जाता है क्लियरली, उसको भी तो ये एक डेमो एक्सरसाइज काफ़ी काम में आता है। आज इसको डेमो आपके सामने हो रहा है। देखिए तो बाहर तो हम लोग देखिए बाढ़ से प्रभाव कितने होता है उसको कम करने के लिए पूरा हम लगे हुए हैं। इस बार तो आप 70 बांध है यहाँ, 70 बांध में पिछले बार 12 बांध में जो कट हुआ था वो पूरा रिपेयर हो गया। उसके अलावा छोटी छोटी कट है अभी भी तो 2-3 जगह, उसका तो ग्राम पंचायत के जरिए से, जिला पंचायत का जो हम लोग का जो रिसोर्स है उसी का लगा करके हम सही करा रहे हैं। बाकी पूरा तैयारी में है, हम लोग ड्रोन से पूरा बांध सर्वे करके रखा, किस किस पॉइंट इस बार कमज़ोर हो सकता है, उसके एक महीने पहले से हम लोग हाई अलर्ट वॉच में रख रहे हैं इसको, तो पानी के लेवल कितने बढ़ता है उसी हिसाब से हम लोग तैयारी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ा। पिछले बार नेपाल से हम लोग अलर्ट नहीं मिलती थी, इस बार नेपाल से शुरुआत से अलर्ट मिलना शुरू हो गया, इसलिए हम लोग भी तो मान लीजिए यहाँ बारिश ने पिछले बार भी 25% यहाँ बरसात कम था गोरखपुर में, फिर भी तो बाढ़ हो गई थी, ताकि तो नेपाल से अचानक पानी छूटा गया था उसी वजह आ गया। इस बार नेपाल से अलर्ट सिस्टम जारी हो गया, इसलिए नेपाल सरकार इस बार ज़्यादा सहयोग कर रही है। इस बार पहले अलर्ट मिल जाता हम लोग तो उसके पहले ही हम लोग तैयारी रख लेंगे।